दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे वीकली टेक न्यूज के एक और एपिसोड में, यानी कि एपिसोड 22 में। एंड इस वीक तो भाई बड़ा कमाल का हफ्ता रहा, इतनी ज्यादा न्यूज है कि मैं सोच रहा हूँ टेक न्यूज के दो एपिसोड कर दूं। वेल टेक्निकली ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, वीडियो में भी थोड़ा सा लंबा हो सकता है, न्यूजें बहुत ज्यादा है, मतलब खबरें बहुत ज्यादा, न्यूजें तो नहीं होता है, न्यूज ही होता है सिर्फ। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इन फ्यूचर भी आपको इसी तरह के कमाल के वीडियोस मिलते रहें। सबसे पहली खबर की शुरुआत करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। देखो 24 तारीख में इतना सारा बवाल हुआ है, मतलब अच्छी चीजें हुई हैं, उसमें से एक चीज है माइक्रोसॉफ्ट का इवेंट, लॉन्च इवेंट, जिसमें उन्होंने अपने नया ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 को इंट्रोड्यूस कराया, लॉन्च कर दिया। और इसमें लिटरली भाई बहुत सारी चीजें, सबसे पहले तो उसके डिजाइन की बात करते हैं, तो एकदम फ्रेश और यूनिक डिजाइन आपको देखने को मिलता है। वेल अगर आप थोड़े से गीक हो तो आपको बता दूं, विंडोज 10 लिया और विंडोज 10X का अगर आपने कॉन्सेप्ट देखा हो वो लिया, और दोनों को बस बन गई विंडोज 11। और काफी सारी चीजें इसके अंदर अच्छी हैं। एक इसका हाइलाइटेड फीचर है जिसमें आपको एंड्रॉइड एप्स का नेटिव सपोर्ट विंडोज 11 में मिलने वाला है, यानी कि आप अपने एंड्रॉइड एप्स को वहां पे चला पाओगे। तो कुछ लोग खुश हो रहे हैं कि बिना इम्यूलेटर के पबजी और लॉन्चर और कस्टमाइजेशन वाली ऐप, और मतलब पता नहीं क्या क्या चीजें हैं जो मैं ट्विटर पर देखी हैं, लोगों ने कैसी कैसी चीजें पोस्ट की थी वहां पे। अब इसके अंदर कुछ चीजें और देखने को मिली है, इनके डेवलपर ने कंफर्म किया है कि आप इसके अंदर एप्लीकेशंस को साइड लोड कर सकते हो। नॉर्मली आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के थ्रू एंड्रॉइड एप्स डाउनलोड करोगे, उसमें भी यहाँ पे इन्होंने मर्ज किया है, मतलब एक तरह से कंबाइन किया है अमेजोन स्टोर को, जो अमेजोन ऐप स्टोर होता है उसको, तो एक ही जगह पे आपको एंड्रॉइड और विंडोज दोनों ऐप्स मिल जाएंगी। और इसके अंदर आपको अपडेट की सरदर्दी नहीं होगी, बहुत सारी अपडेट्स आती है तो अपडेट्स इसमें 40% छोटी हुआ करेंगे पुराने किसी भी विंडोज के वर्जन के मुकाबले, उन्हें आप आसानी से इंस्टॉल कर पाओगे। और माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि हम फालतू में अपडेट्स नहीं दिया करेंगे इतनी ज्यादा, आपको कम अपडेट्स दिया करेंगे लेकिन अच्छे अपडेट्स दिया करेंगे। और साथ ही किन लोगों को अपडेट मिलेगा, जो भी विंडोज 7, 8 या फिर 10 यूज कर रहे हैं उनको फ्री में विंडोज 11 का अपडेट मिलेगा। और अगर आप चेक करना चाहते हैं आपका पीसी एलिजिबल है या नहीं, तो आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है पीसी हेल्थ चेकर, और इसकी मदद से आप अपने पीसी को चेक कर पाएंगे कि आपका पीसी विंडोज 11 चलाएगा या नहीं चलाएगा। दूसरा इवेंट सेम डे हुआ रिलायंस का, रिलायंस AGM यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग, और इसमें इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस कराया, बहुत सारी उम्मीद थी कि लैपटॉप मिलेगा और फोन मिलेगा 5G वाला, 5G देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ तो देखने को नहीं मिला। एक हाईलाइटेड चीज है यहाँ पे, रिलायंस और गूगल ने, यानी कि जियो और गूगल ने मिलकर के एक फोन बनाया है जो कि दुनिया का सबसे सस्ता 4G फोन होने वाला है, 5G नहीं होगा सिर्फ 4G होगा, और 4000 पे ऑलरेडी एक फोन है जो मार्केट में एग्जिस्ट करता है और 4G को सपोर्ट करता है, तो उससे कम प्राइस पाएगा, तो 3500 या फिर 3000 इसकी कीमत हो सकती है। और इसको आप गणेश चतुर्थी के दिन यानी कि 10 सितंबर से खरीद पाओगे। और एक और इवेंट उस दिन हुआ, वो था रियलमी का, तो रियलमी के इवेंट में क्या कुछ आया, रियलमी नार्जो 30, ये एक मिडल वाला वेरिएंट है और इसमें आपको 5G देखने को मिलने वाला था, तो हाँ ये फोन आ गया है। फोन में कुछ खास नहीं है, नहीं बात करते हैं, वही जो Realme 8 था वही इन्होंने इसके अंदर दे दिया है, कोई और डिफरेंस नहीं है। इसके अलावा और क्या खबर Realme की तरफ से, Realme वाले अपना एक नया TV भी लॉन्च कर चुके हैं जो कि Dolby Atmos के साथ में आता है, वहाँ पे आपको Dolby Sound मिलेगी, और 32 इंच का ये TV है, आप उसको देख सकते हैं अगर आप कोई नया TV खरीदने का सोच रहे थे। इसके अलावा Realme का जो नया ब्रांड था Dizo या फिर Dizo उसको बोलते हैं, तो इसके अंदर कुछ नए प्रोडक्ट्स आने वाले हैं जो कि लॉन्च होंगे 1 जुलाई को। प्रोडक्ट्स क्या होंगे, इसमें आपका ट्रिमर होने वाला है और आपका हेयर ड्रायर होने वाला है, इसके अलावा हो सकता है और भी कुछ प्रोडक्ट्स आपको इसी Realme Dizo की तरफ से देखने को मिल जाए। और Realme का कहना है कि इस ब्रांड के अंदर हम लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स लेकर के आएंगे, तो हाँ ये उसी तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है। अगला अपडेट है स्नैपड्रैगन की तरफ से। अब स्नैपड्रैगन बौखला गया है क्योंकि स्नैपड्रैगन को बीट करते हुए MediaTek नंबर 1 प्रोवाइडर बन गया है चिप्स का, यानी कि आपके फोन के जो प्रोसेसर या CPU आप कह सकते हैं उनका। अब यहाँ पे स्नैपड्रैगन दिमाग क्यों खराब है, क्योंकि स्नैपड्रैगन का आने वाले महीने में नवंबर या दिसंबर में नया वर्जन आने वाला है जो कि होगा ऑब्वियसली स्नैपड्रैगन 895, नाम वाम हो सकता है शायद चेंज कर दे, लेकिन ज्यादातर अभी यही सुनने को मिल रहा है। अब 888 को ये अलग अलग वेरिएंट्स में लेके आ रहे हैं कि ये हमारा 4G वेरिएंट होगा, इसके अंदर हम प्लस वेरिएंट देंगे, इसके अंदर हम प्रो वेरिएंट देंगे, यानी कि स्नैपड्रैगन 888 के अलग अलग वेरिएंट, किसी के अंदर ओवरक्लॉकिंग मिलेगी, किसी के अंदर बैटरी बैकअप अच्छा मिलेगा, तो पता नहीं क्वालकॉम को क्या करना है इन सबसे, क्यों बौखला गया है, लेकिन हाँ ऐसे कुछ अपडेट्स हैं। और अगर बात आई है स्नैपड्रैगन 895 की, तो लेनोवो वो पहली कंपनी होने वाली है जो अपने फोन के अंदर इस चिपसेट को इंट्रोड्यूस कराने वाली है, यानी कि सबसे तगड़े प्रोसेसर पे
क्वालकॉम की तरफ से जो फोन आएगा और उसको बनाएगी लेनोवो, वो यही होने वाला है। अगली खबरों की बात कर ले, मतलब खबरें इतनी सारी हैं, एक बार एक टॉपिक उठाता हूं और उसी में चार पांच खबरें देता हूं। तो आ रही है सैमसंग की तरफ से। अब देखो, सैमसंग ने अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती थी डिस्प्लेज की, वो खत्म कर दिया चाइना में से, जो भी उनकी फैक्ट्रियां लगी हुई थी वहां पे वो खत्म कर दिया है। इसके बाद में इंडिया में उन फैक्ट्रीज को वो लेकर के आ गया, इनका नया प्लांट बना है नोएडा में जो कि बहुत ज्यादा बड़ा है, और गौरव ने वहां पे काम भी किया था। और अब उसके अंदर सारी की सारी डिस्प्ले वगैरह जो भी है मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है पिछले हफ्ते से। तो ज्यादातर आपको जो भी डिस्प्ले मिलेंगी इंडिया में बनी हुई मिलेंगी। पहले हम बात करते थे असेंबल इन इंडिया, अब हम बात करेंगे मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, यानी कि सब कुछ इंडिया में ही होने वाला है, बस चिप्स और एक बार आ जाए बहुत अच्छी बात रहेगी। और सैमसंग की बात आई है तो स्क्रीन से पीछे क्यों हटे, एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 2022 तक वर्ल्ड में जितने भी फोन शिप किए जाएंगे 2022 तक, यानी 2022 तक, उनमें से 45% फोन ऐसे होंगे जिनके अंदर OLED डिस्प्ले होगी, यानी कि AMOLED हो सकती है, सुपर AMOLED हो सकती है, या फिर OLED भी हो सकती है। तो लग रहा है IPS का जमाना धीरे धीरे जा रहा है। वहीं बात करते हैं सैमसंग के एक और फोन की, तो सैमसंग ने एक नया पेटेंट रिलीज किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि हम अपना एक रोलेबल फोन लेके आने वाले हैं। आपको उसमें बेसिकली एक बटन मिलेगा, आप उस पर बटन को स्वाइप करोगे या क्लिक करोगे तो आपका फोन फैल करके मान लो इस तरह से है, तो वो अपने आप इस तरह से खिंचता हुआ एक टैबलेट के टाइप में बन जाएगा। वैसे अगर आपको नहीं पता तो ओप्पो ने ये चीज ऑलरेडी बना दी है, आपको कमर्शियली तो ये फोन नहीं मिलेगा लेकिन काफी सारे लोगों के पास में फोन आया है जहां पे ओप्पो ने एक ऐसा फोन इंट्रोड्यूस कराया कि आप उस फोन में एक बटन प्रेस करोगे या स्वाइप करोगे और आपका फोन पतला सा रहेगा, कमजोर सा रहेगा और बढ़ते बढ़ते वो एक टैबलेट के जैसा बन जाएगा। ओप्पो की अगली खबर क्या मिली है, ओप्पो के साथ में OnePlus मर्ज हो गया है। अब ये इतनी ज्यादा हाईलाइटेड खबर नहीं है, थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है, लेकिन इनके डॉक्यूमेंट्री से पता चला है कि OnePlus ओप्पो का एक सब ब्रांड बनके रहेगा, कि मालिक तुम हो, हम तुम्हारा एक छोटा सा हिस्सा बनके रहेंगे, ऐसी हालत हो गई है OnePlus की। तो आने वाले दिनों में पता नहीं OnePlus का क्या ही होने वाला है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ क्या हो सकता है। और वही बात करते हैं ओप्पो से रिलेटेड एक और, तो ओप्पो रेनो सीरीज की जो 6 सीरीज होती है उसमें प्रो प्लस और जो भी मॉडल्स होते हैं वो आपको जुलाई के महीने में इंडिया में देखने को मिल जाएंगे। प्रोबेबली इनके अंदर आपको Dimensity 1200 प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि एकदम फाड़ प्रोसेसर है। और हाँ, ये सीरीज पर्सनली मुझे भी अच्छी लगती है ओप्पो के बाकी किसी फोन के मुकाबले, बाकी तो मुझे पसंद आते नहीं है। अब प्रीमियम फोन्स की बात आई है तो दो नए फोन्स हैं जो आने वाले हैं, सबसे पहला तो है टेक्नो फैंटम, दूसरा है इन्फिनिक्स 01। अब पता नहीं इन कंपनियों को क्या हो गया, सस्ते सस्ते 5-5, 7-7, 10-10 हज़ार के फोन बनाया करते थे, प्रीमियम पे उतर पड़े हैं, एकदम फ्लैगशिप लेवल के फोन लेकर के आए हैं। दोनों फोन के अंदर आपको तगड़े तगड़े कैमरा, स्नैपड्रैगन या फिर Dimensity के जैसे तगड़े वाले प्रोसेसर देखने को मिलेंगे। वेल, अभी बातें चल रही हैं, जब फोन कंफर्म हो जाएंगे, कोई पुख्ता खबर निकल जाएगी तब आपके साथ में शेयर करेंगे और देखेंगे क्या कुछ प्राइसिंग रहती है, क्या कुछ स्पेक्स रहते हैं और क्या ये कंपनियां फ्लैगशिप के मार्केट में खरी उतर पाती हैं या फिर नहीं। हर चीज के बारे में बात कर ली, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के बारे में बात कौन करेगा, हम करेंगे ऑब्वियसली। तो देखो, सबसे पहले तो एक बुरी खबर बताना चाहूंगा, पीएम नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट किया है जहां पे उन्होंने बताया है कि बहुत सारे ऐसे गेम भारत में चल रहे हैं जो कि भारत की संस्कृति को या भारत की, हाँ ठीक है, प्रतिष्ठा, मान्यता, सम्मान्यता जो भी है, ये इन सबको कंप्लाई नहीं करता है। तो उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से हिंदी में ये ट्वीट किया था, इसका मतलब है कि शायद गवर्नमेंट कोई ऐसा एक्शन ले सकती है ऐसे गेम्स के खिलाफ जो इंडिया की जो संस्कृति है उसके खिलाफ थोड़े से जाकर है। और समझ रहे हो ना इशारा कहाँ है, उनका इशारा सीधा सीधा BGMI की तरफ है। तो देखो, होने को कुछ भी हो सकता है, बट अपनी तो उम्मीद यही है कि ऐसा कुछ ना हो। दूसरी चीज आपको बता दूं, BGMI इन्होंने टाइप किया है टेस्ला के साथ में, और आपको पता है जब भी पबजी ने या फिर BGMI ने किसी के साथ में टाइप किया तो उसकी चीजों को गेम के अंदर लेके आया, तो हो सकता है आपको गेम के अंदर टेस्ला की कार देखने को मिल जाए और हो सकता है इनके इलेक्ट्रिक स्टेशन भी आपको गेम के अंदर देखने को मिल जाए, जो कि एक अलग सा एक्सपीरियंस रहेगा। बहुत ज्यादा मेजर चीज तो मेरे ख्याल से नहीं लग रही है मुझे भी, और शायद आप लोगों को भी ना लगे, लेकिन अगर आती है तो देखने में हम लोगों का क्या ही जाता है। अब बात कर लेते हैं Xiaomi के बारे में। तो देखो, Xiaomi के बारे में मैंने आपको पहले खबर बताई थी जो कि गलत साबित हो गई थी। खबर क्या थी कि MIUI 13 आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। वेल, वो पूरी तरह से फर्जी खबर थी, लेकिन अब फिर से ऐसी खबरें आने लगी हैं कि आपको अगस्त के महीने में MIUI 13 देखने को मिल सकता है। और इस बात में कितनी सच्चाई है मैं अभी नहीं कह सकता, हालांकि पहले भी काफी ऑथेंटिक सोर्स थे लेकिन खबर गलत निकली, तो मे भी अब की बार में सही हो सकती है क्योंकि काफी टाइम हो गया MIUI 12 को आए हुए। और वहीं पे एक चीज और भी जिसको पुख्ता साबित कर सकती है वो ये है कि Xiaomi ने एक प्रॉपर टीम बना दी है इनके MIUI के लिए, क्योंकि इनके MIUI के अंदर क्या होता था, बहुत सारे बग्स देखने को मिलते थे जो कि चीजें ठीक से काम नहीं करती थी। तो इन्होंने क्या किया कि हमें भाई हार्डवेयर तो हम अच्छा बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर में कहीं ना कहीं हमारे कमी है, तो इन्होंने एक प्रॉपर टीम बनाई। उस टीम का क्या काम है कि आप लोग बैठो और बैठ के सिर्फ आपका काम ये है कि MIUI के अंदर क्या बग्स हैं इसकी हमेशा टेस्टिंग करते रहो, कैसे उसको बेहतर बनाया जा सकता है। तो इसका नाम रखा है MIUI टीम, और जब MIUI टीम आ गई है तो हो सकता है आपको MIUI 13 बहुत जल्दी देखने को मार्केट में मिल जाए। और जब बात Xiaomi की आई है तो Xiaomi की तरफ से बताया जा रहा है कि Xiaomi सीरीज के अंदर या फिर Redmi सीरीज के अंदर
वेल सीरीज नहीं है ये, पूरा पूरा ब्रांड बन चुका है, अब मैं माफी चाहूंगा उस चीज के लिए। तो हाँ, ये अपना अंडर डिस्प्ले कैमरा बहुत जल्दी लेकर के आने वाले हैं, ऐसी खबरें मिलनी है। बहुत जल्दी का मतलब कितना होता है, 2 महीने 4 महीने 6 महीने? वेल देखने वाली बात रहेगी कब इनका ये फोन आता है और कैसी परफॉर्मेंस रहेगी, क्योंकि अभी तक जितने भी अंडर डिस्प्ले कैमरा वाले फोन मार्केट में अवेलेबल है वो कामयाब नहीं है, उनकी क्लियरिटी इतनी ज्यादा नहीं है क्योंकि सामने शीशा आ जाता है तो कैमरा में वो वाली शार्पनेस, वो वाले कलर्स, वैसी चीजें नहीं मिलती हैं। तो देखते हैं Xiaomi या फिर Redmi या फिर जो भी है, सब एक ही है, क्या कुछ प्लान करता है इस बारे में। अब जो लोग कुछ चीजें हटके करते हैं दूसरों के मुकाबले, वो मुझे अक्सर पसंद आते हैं। मैं बात कर रहा हूं कार्ल पे की। अब ये वो इंसान है जिन्होंने वन प्लस को इतने अच्छे मुकाम तक पहुंचाया, उसके बाद में जब इन्होंने वन प्लस छोड़ दिया क्योंकि इनके अकॉर्डिंग चीजें नहीं चल रही थी तो वन प्लस बर्बाद हो गया। अब मैं न्यूज आपको बता ही चुका हूं वन प्लस कहां पे पहुंच चुका है। अब इनकी जो नई कंपनी थी नथिंग, तो उसका एक नया TWS ईयरबड आने वाला है जिसका नाम होगा नथिंग ईयर वन, और ये कब लॉन्च होगा, जुलाई के महीने में प्रोबेबली आपको लॉन्च होता हुआ देखने को मिल सकता है। और हाँ, इसको सेल किया जाएगा या शिप किया जाएगा फ्लिपकार्ट के द्वारा, क्योंकि एक पोस्टर रिलीज किया गया है जिसमें फ्लिपकार्ट और इनको दोनों को मतलब कुछ पार्टनरशिप वगैरह करते हुए दिखाया गया है। तो ये एक छोटा सा खबर था और देखते हैं कैसा प्रोडक्ट रहता है, आई थिंक कुछ हटके ही होगा। और एक और खबर जो मैं ऑलरेडी अपने शॉर्ट्स वाले चैनल पे तो कवर कर चुका हूँ, वो क्या है कि जो लोग प्राइवेसी का थोड़ा सा ख्याल रखते हैं, गूगल आपको ट्रैक करता है जब आपको सर्च करते हो, आप इस चीज़ से बचना चाहते हो तो ब्रेव ने अपना सर्च इंजन बना दिया है जहाँ पर आपको ट्रैक नहीं किया जाएगा। वैसे मार्केट में तो डकडक गो भी बैठा हुआ है ऑलरेडी, लेकिन एक नया आ गया जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको कोई ट्रैक ना करे तो आप जा सकते हो ब्रेव सर्च इंजन पर, वहाँ जा करके अपने क्वेरीज आराम से सर्च कर सकते हो बिना ट्रैक हुए। तो दोस्तों बस यही थी आज की खबरें, और भी है इसके मुकाबले बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने कोशिश करी जो भी मेजर चीज़ें हैं वो आपके साथ में शेयर कर पाऊँ, और अगर कुछ नहीं शेयर कर पाया तो भाई माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। टाइम लिमिटेड होता है, खबरें अनलिमिटेड होती हैं, सब कुछ शेयर नहीं कर सकते। और गाइस अब समय होता है हमारे मोस्ट वैल्यूएबल सेक्शन का, यानी कि आप लोगों का नाम लेने का, जो कि हमारे फीचर कमेंटर्स हैं। तो इस वीक हमारे 3 फीचर कमेंटर्स हैं जिनमें पहले आते हैं कमिल कुमार, दूसरे नंबर पे हैं चौधरी शिवम सिंह, एंड थर्ड नंबर पे आते हैं AK इंडिया प्रोजेक्ट्स। तो कांग्रेचुलेशन आप तीनों को हमारा फीचर कमेंटर बनने पर। और गाइस अगर आपका नाम नहीं आया तो अभी कभी इस वीडियो को लाइक कर देना, इस पे कमेंट कर देना, एंड आपका नाम हम पिक कर लेंगे हमारे नेक्स्ट वीक की टेक न्यूज में एज अ फीचर कमेंटर। बाय द वे आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना मत भूलना। अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, और हाँ छोटे अपडेट्स के लिए वीक के बीच बीच में भी डालते रहते हैं VGM शॉर्ट्स को सब्सक्राइब करो। और हाँ, यहाँ पे आपको मिल रहा होगा सोशल मीडिया हैंडल, वहाँ जुड़ सकते हो पर्सनली मुझसे, वहाँ पे बातें भी करते रहते हैं हम लोग काफ़ी ज़्यादा, और अपडेट्स भी आपको देते रहते हैं। तो मिलते हैं आने वाले किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।